एक पैमाना है, एक मीटर की व्यवस्था है, कहीं भी किसी प्रकार को कोई पक्षपात नहीं है। तेल लेने के लिए जाते हैं वहां भी एक पैमाना है, लेकिन धर्म के नाम पर ही हमारे धर्म को पैमाने हुए, जिसके कारण हमारे समाज का विघटन हुआ और वेद रूपी अज्ञान के कारण, वेद रूपी हमें जानकारी न होने के कारण हमारी दुर्दशा हुई। इसलिए ऋषि कहते हैं कि धर्मस्य किं मूलम्, धर्म का मूल कहा है क्या है, कहा कि धर्मस्य मूलम् वेद, धर्म का मूल क्या है, वेद। तो ऋषि ज्ञान ने जब अध्ययन किया और समाज को देखा, कष्ट बात इस पर किया तो कहा कि आओ मोह चले भी लोग, जहां से हमारे आर्य राजा रामकृष्ण आदि, जहां से हमारे ब्रह्मा से लेकर के जर्मनी पर्यंत जहां पर ऋषियों की प्रणाली रही है, ऋषियों की व्यवस्था रही है, वहां पर ऋषि ज्ञान मार्ग बड़ी अच्छी बात लिखते हैं। अनुभूमिका में सत्या प्रकाश के अनुभूमिका में लिखते हैं कि मेरा कोई भी नया मत और मजहब लेश मात्र चलाने का कोई अभिप्राय नहीं है। जिस हमारी जो वैदिक पद्धति, जो ब्रह्मा ऋषि से लेकर के जैन पर्यंत जो ऋषियों की श्रृंखला रही है, ऋषियों की मर्यादा रही है, मैं तो उसको याद दिला देना चाहता हूँ और उसी से हम लोग सुखी हो सकते हैं। इसलिए हम जो है बिल्कुल निष्पक्ष भाव से इस वैदिक व्यवस्था को स्वीकार करें और थोड़ा सा अगर आदरणीय मंत्री जी का संकेत हो तो दो चार मिनट अंदर के हमारे पहचानने में कहां गलती हुई, कैसे हम लोगों को भ्रमित किया गया, कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा और संक्षेप से उनका उत्तर मैं देना चाहूंगा कि धर्म का मूल क्या है, वो वेद है। और सबसे पहला न्याय समाज का नियम लिखते हैं ऋषि जानी महाराज लिखते हैं कि सब असत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का देव परमेश्वर है, समस्त विद्याएं परमेश्वर से प्रसारित होती है और हमारे यहाँ देवताओं को लेकर के विभिन्न धारणाएं रही है, लेकिन एक सही शरीर जो उसका जो प्रश्न है वह सबसे पहला प्रश्न है कि देवता किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है देवता कितने प्रकार के होते हैं और तीसरा है देवताओं को कौन मानता है, देवताओं को नाम क्या है, देवताओं की पूजा कैसे होती है। तो संक्षेप में बताने का आप लोगों के सामने प्रयत्न करूंगा, पीछे मात्र शक्ति बैठी है उनमें ज्यादा श्रद्धा होती है। तो देवता कहते हैं जो दिव्य गुण से युक्त होते हैं देवता कहते हैं। देवता कितने प्रकार के होते हैं ध्यान रखिएगा आप लोग, देवता दो प्रकार के होते हैं, जड़ होते हैं चेतन होते हैं। जड़ और चेतन को समझ लीजिए, जड़ कहते हैं जिसको जानकारी नहीं होती वो जड़ होता है और चेतन उसको कहते हैं जो जानकार होता है वो चेतन कहलाता है। अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश रक्षा सूर्य चंद्रमा ये हमारे सारे के सारे जड़ देवता है। जड़ को आप समझ लीजिए, अभी प्रातःकाल के मेला में हमारे यजमान हृत और सामग्री से आहुति दे रहे थे, आप लोगों ने भी आहुति दी। अगर हमने से कोई भी व्यक्ति अग्नि में हाथ डालने लगे तो अग्नि का ये पता नहीं है, अग्नि को ये पता नहीं है कि अभी शास्त्री जी पुरोहित जी जो है यहाँ पर यज्ञ करा रहे थे, कम से कम 800 रुपए किलो का घी हमें खिला रहे थे कि इनको तो न जलाए, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति तैरना नहीं जानता और गंगा में प्रवेश कर जाता है और न जय बोलता, वो वहां से तैरना नहीं जानता और वो जय बोलता गंगे मैया की जय, तो वो उसमें डूब करके मर जाता है। एक व्यक्ति तैरना जानता है, सो पशुओं का वध करके जाता है और जय नहीं बोलता तो वहां से पार हो जाता है। अगर गंगे मैया को पता होता कि ये व्यक्ति मेरा भक्त है तो वो बच जाता, अगर गंगे मैया को पता होता तो राक्षस है उसको पटवा देते, इसको कहते हैं जड़। जड़ को प्रकृति जितनी भी है वो अज्ञान में पूर्ण है और परमात्मा ज्ञान में पूर्ण है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसलिए इसको कहते हैं जड़ देवता, चेतन देवता कहते हैं जो मूर्तिमान देवता है, जो परमात्मा के बनाए हुए जिनकी पूजा होनी चाहिए। आर्य समाज कभी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करता, लेकिन चित्र और चरित्र दो चीज होती है कि चित्र की आप पूजा न करें, उसके चरित्र की पूजा आप करें। कि वहां पर पांच मूर्तिमान देवता, प्रथम माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य और चौथा पत्नी, पति और पत्नी आपस में पांचों देवी और देवता होते हैं, इनका निष्ठापूर्वक सम्मान करना चाहिए। जब तक ये व्यवस्था हमारे समाज में नहीं होगी तो हमारे समाज में जो स्वर्ग की व्यवस्था यानी सुख की व्यवस्था नहीं हो सकती, इसलिए इनको देवता कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आपसे निवेदन एक बार देना चाहता हूँ, देवता कितने प्रकार के होते हैं, कोई कहते हैं 36 करोड़ देवता, कोई कहते हैं 33 करोड़। वेद को न जानकर के अर्थों का अनर्थ किया, वेद में आया 33 कोटि देवता, देवता 33 प्रकार के होते हैं, कोटि के दो होते हैं, प्रकार में होता है, करोड़ में होता है, और प्रकरण को देखकर के हमेशा उसकी अर्थ की संगति लगाई जाती है। जिस प्रकार का जैसा प्रकरण चला होता है, जिस प्रकार से सैंधव होता है, सैंधव के दो अर्थ होते हैं, सैंधव का अर्थ नमक भी होता है और सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है। इस समय भोजन का समय है, मालिक ने सेवक को कहा कि सैंधव ला करके दीजिए और मालिक ने मालिक भोजन कर रहे होते हैं उसने घोड़ा ला करके खड़ा कर उसको धुतकार कहा यहाँ से हटाइए इसके, आपने विशेष देखा मैं भोजन कर रहा हूँ जब उसका क्या करूंगा घोड़े का। तो इस प्रकार से जब प्रकरण को देख करके महाविवेक की मर्यादा को न देखते प्रकरण को न देख करके 33 कोटि देवता के 33 प्रकार के देवता को भैया 33 करोड़ देवता वहां पर कर देगा। 33 कोटि देवता को से 12 आदित्य जिसको महीने कहते हैं, 8 वसु सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी हमारे जो है
अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश रजत सूर्य चंद्रमा ये हमारे आठ वसु हैं, जिनके अंदर ऋषि ध्यान में सत्ता प्रकाश का स्तंभ समाधान में लिखते हैं कि सारी प्रजा ये वस्ती है, सारी प्रजा को ये बसाते हैं, इसीलिए इनका नाम वसु है। और दस प्राण होते हैं, ग्यारह रुद्र होते हैं, दस प्राण प्राण अपान ज्ञान समान उदान नाग कुंभ कृतक देवों को धन्य, ये दस प्राण और ग्यारहवीं जीवात्मा होती है। ये ग्यारह रुद्र होते हैं, बारह आठ बीस और दस इकतीस और इंद्र और प्रजापति। इंद्र जिसको विद्युत कहते हैं, प्रजापति प्रजा का पालन करने वाला, यज्ञ जिसको कहते हैं, जिसको इष्ट देव हम लोग कहते हैं, और ज्योतिष अगर गोपाष्ट देव देवों का देव महादेव जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं। तो इसलिए देवता कुल कितने होते हैं, देवता कुल 33 होते हैं। आगे फिर प्रश्न में उठा देना चाहता हूँ कि देवताओं को बनाता कौन है, जिन देवताओं की मेरी बात मंदसा मत मानना, बुरा मत मानना, क्योंकि हमारे यहाँ से जानकारी देने का हमारा ही काम है। जिन देवताओं की पूजा हम लोग घरों में रखकर के करते हैं, उन देवताओं को कौन बनाता है, मनुष्य बनाते हैं, परमात्मा बनाता है। पहले से पूछना चाहूंगा, इधर से जवाब आया कि मूर्ति को हम बनाते हैं, तो बनने वाला बड़ा होता है, बनाने वाला बड़ा होता है। जिन मूर्तियों की पूजा जो है हम लोग करते हैं, उनके बनाने वाले हम होते हैं, सिर्फ मूर्ति से बड़े हम हो जाते हैं। इसलिए बनाने वाला परमात्मा की बनाई मूर्ति मैंने बताई है, माता पिता आचार्य पति और पत्नी। तो आदरणीय हमारे मंत्री जी का आदेश होगा, बस लेकर अपनी वाणी को विराम होगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर हमें देवताओं को कौन बनाना है, ध्यान रखना अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्रमा देवों को, इन देवताओं को बनाने वाले केवल केवल पिता परमात्मा है। और जिन मिट्टी पत्थर की मूर्तियों की हम लोग पूजा करते हैं, उनके बनाने वाले हम स्वयं हैं। इसलिए आगे प्रश्न का उत्तर देते कहा इन देवताओं की पूजा कैसे होगी। सतपथ ब्राह्मण का ऋषि लिखता कि अग्नि वही देवान हम अग्नि सब देवताओं का मुख है। ध्यान रखना आप लोग, जितने हमारे पास जितने भी हमारे शास्त्र हैं, सबके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यज्ञ की अग्नि के द्वारा ही देवताओं की पूजा होती है। यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 91वां मंत्र प्रमाण उपदेश करता है कि जो लोग तेज अग्नि जलाकर के अच्छे अच्छे पदार्थों की आहुति अग्नि में आहुत करते हैं, ऐसे लोगों को अत्यंत सुख प्रदान करता हूँ। क्योंकि अग्नि के माध्यम से जो भी सुगंधि निकलती है, जो भी पदार्थ जाते हैं, तो अग्नि सर्वप्रथम उसको तोड़ करके सूक्ष्म बना देती है, और सूर्य की किरणें उसको ऊपर उठाती है, वायु के माध्यम से समस्त ब्रह्मांड में उसको अग्नि फैल करके समस्त देवताओं को प्रसन्न कर देती है, और सारे के सारे देवता फिर प्रसन्न होकर के प्राणी मात्र पशुओं की वर्षा करते हैं। इसलिए देवताओं की पूजा के मात्र केवल एक यज्ञ है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ अपने घरों में यज्ञों की व्यवस्था बने, श्रद्धा बने, प्रतिदिन यज्ञ विषय में लिखा प्रतिदिन यज्ञ होना चाहिए। अमावस्या पूर्णिमा और अन्य विषयों पर जो भी हमारे त्योहार है, पर उन्हें सारी जैसी हमारे पूर्ण होनी चाहिए। तो इसलिए आप सबों का मैं हृदय से आभार करता हूँ और आज हमारे सम्मानित